हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं LCD टेक्निकल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने यूनियन नंबर से पासपोर्ट कैसे पता करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद वहाँ पर टाइप करिए EPF India.in, फिर सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। स्क्रीन थोड़ा टच कर दिए वो हट जाएगा। इसके बाद थोड़ा जूम करिए, यहाँ KYC पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद नीचे जाइए और नीचे जाइए, यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, हमारा खुल गया। अब हमको 3 डॉट पर क्लिक करिए, डेस्कटॉप मोड पर ला लीजिए। डेस्कटॉप मोड पर आ गया दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले में यूनियन नंबर डालिए अपना, फिर अपना नेम डालिए, फिर अपना बर्थ डेट डालिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर अपना ईमेल डालिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा अपने PF में, जो ईमेल डालेंगे वो भी रजिस्टर हो जाएगा। अभी तो हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट निकालना है मुझे, यूनियन का पासपोर्ट कैसे निकालें। तो दोस्तों, आप अपना यूनियन नंबर डालें और अपना नेम, अपना बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैप्चर कोड डाल के गेट OTP पर क्लिक करिए। तो चलो दोस्तों, हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपना डाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है। ले लीजिए दोस्तों, हमारे पास OTP भी आ चुका है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर OTP डाल दी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मैसेज आ चुका है, ये दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास आ चुका है पासपोर्ट। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।